अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज कुछ बात हो जाए PTI यानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की उन मुश्किलात का जो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट की रिक्विजिशन होने के बाद से शुरू हुई है। गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार को उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब भी किया, उसमें उन्होंने वादा किया था कि वो सरप्राइज़ देंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही से वो अपोजिशन की तनकीद की ज़द में है क्योंकि उसमें कोई सरप्राइज़ बज़ाहिर नहीं मिला। सरप्राइज़ क्या वाकई नहीं था, और आज क्या जो फर्क सरप्राइज़ सुनने में आए यानी पीर के रोज़, क्या उनके पीछे कोई फ़ोन कॉल्स कर फरमा थी? वो क्या ऐसा हुआ कि जलसे के 24 घंटे के अंदर अंदर ही बहुत सारी तब्दीली आ गई, ये आपको तफसील बताते हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यू करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो जनाब, परेड ग्राउंड जलसे में वज़ीर आज़म ने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ बड़ी महारत के साथ अपना जो बयानिया था, अपनी तमाम तोपों का रुख एक कागज़ का टुकड़ा दिखाया और उसके ज़रिए बैरूनी क़वतों की तरफ मोड़ दिया। एक नया बयानिया उन्होंने आवाम को सुनाया और वो ये कि उनके ख़िलाफ़ बैरूनी क़वतें साजिश कर रही हैं और उनके कुछ सहूलतकार पाकिस्तान में हैं जो जानबूझकर या लाशौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस हैं। तो इस बयानिए के बाद जो ड्रामाई तब्दीली आई कोई 20-22 घंटे के अंदर अंदर, उससे अब कई सवालात ने फिर जन्म लिया, क्योंकि क्यू लीग के साथ मामला तय पाए गए, चौधरी परवेज़ इलाही इन हो गए, उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया गया। और ये मुतालबा था जो कि पाकिस्तान की बहुत सारे इदारे, मुक्तदर हलके और ख़ुद PTI के अंदर से लोग भी मुतालबा कर रहे थे काफ़ी अरसे से। तो जनाब, वो एक जो बड़ी रुकावट थी वो दूर हो गई। जहांगीर तरीन ग्रुप भी उस्मान बुज़दार से खुश नहीं था। MQM दूसरा इत्तेहादी, उसके साथ भी बज़ाहिर मामलात कोई तय होते हुए लग रहे हैं, और बकौल PTI के मिनिस्टर्स के कुछ और उनको अब मज़ीद सरप्राइजेस भी वो आवाम को देंगे। अब क्या ये किसी फ़ोन कॉल्स की नतीजे में हुआ, उन फ़ोन कॉल्स के नतीजे में जिनके हवाले से अपोजिशन बड़े मानी खेज़ अंदाज में बातें कर रही थी, और ये कि कहा जा रहा था कि अगर कोई फ़ोन कॉल आ गई तो उसके बाद मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ परेड ग्राउंड में जो जलसा हुआ वो भी बिलाशुबा एक कार फरमा है, उसका एक बहुत बड़ा लगता है किरदार है इन तमाम मामला तय होने में। लेकिन एक बात वाज़े है कि GHQ और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान जो सर्द जंग चल रही थी अक्टूबर में जन्म फैज़ अमीद के मामले पे जो तलखी पैदा हुई थी, लगता है कि वो सर्द जंग ख़त्म हो गई है, और इस सर्द जंग के ख़त्मे ने वज़ीर आज़म को एक नई तवनाई मुहैया की है, उनके लबो लहजे से ज़ाहिर होता है। और जो उनके कैंप में जिस अंदाज में आज बातें हुई, वफाकी वज़ीर शिबली फराज़ ने अपोजिशन को ये पैगाम दिया कि योर गेम इज़ ओवर, आपका खेल ख़त्म हो चुका है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो शिकवा था वज़ीर आज़म को या उनके साथियों को कि शायद GHQ ने उनको छोड़ दिया है, वो गालिबन वो तासुर दुरुस्त नहीं है। और अब ख़ास तौर पे जब वज़ीर आज़म ने ये वाज़े कर दिया कि उनकी तमाम तर जो मुश्किलात हैं, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट और अपोजिशन का जो इकट्ठ हुआ है वो बैरूनी स्ट्रिंग पुलर्स, कोई बैरूनी इशारों पे वो चल रहा है, और वो जो ख़त लहरा लहरा के दिखा रहे थे तो बिल्कुल ऐसी लग रहा था जैसे जुलाई 1977 में साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कागज़ का एक टुकड़ा बैंक रोड सदर में लहरा लहरा के लोगों से कहा कि ये एक धमकी आमेज़ ख़त आया है उनकी तरफ उन्हें सबक सिखाने के लिए। वज़ीर आज़म पे एक इल्ज़ाम ये भी था, उनसे कई लोग नाला थे कि उन्होंने अमेरिका के हवाले से, यूरोपीय यूनियन के हवाले से बहुत दुरुस्त जारहाना
लहजा इख्तियार किया और इस तरह उनके लिए पाकिस्तान के लिए सफारती मुश्किलात पैदा की। लेकिन जनाब, जिन लोगों ने तकरीबन 2018-19 तक जारहाना और दो टोक लहजा इख्तियार नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? उनकी वजह से क्या पाकिस्तान पर पाबंदियाँ नहीं लगी? पाकिस्तान के खिलाफ के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हुआ? यानी तमाम तर सफारती अदब आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए जो डिप्लोमेसी की पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने, उसके बावजूद पाकिस्तान को बैन अक्वामी सतह पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, इक्तसादी पाबंदियाँ लगें और बदनामी अलग हुई। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि एक ऐसा लीडर आया है जो कि दो टोक अंदाज़ में अपनी पॉलिसी का ऐलान कर रहा है? डिप्लोमेसी तो करके हमने देख ली, उसका नतीजा नहीं निकला, तो अभी हो सकता है कि इमरान खान के ज़रिए पाकिस्तान में एक नई सिफारतकारी का अंदाज़ शुरू हो, जिस पे दुनिया यकीन भी करे और जिसका दुनिया एहतराम भी करे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल पैदा हुई है, अभी देखना है कि अदम एतमाद के वोट की सूरत हाल क्या बनती है। बज़ाहिर तो गुब्बारा पंक्चर हो गया है अदम एतमाद की तहरीक का, लेकिन आया वाक़ता ऐसा अब हो पाता है या वोटिंग उस पर होती है, या उससे पहले ही ये तहरीक वापस ले ली जाती है एक फेस सेविंग के तौर पे तमाम लोगों के लिए, अब ये देखना बाकी है। आइंदा आने वाले दिन काफ़ी सस्पेंसफुल होंगे, तजस्सुस आमेज़ होंगे, और दिलचस्पी से हम भी देख रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और फिर पार्लियामान में इवेंचुअली अगर वोट होता है वहाँ पर क्या नतीजा निकलता है।